नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद जिस तरीके से उनकी मां कुसुम तिवारी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बरसी थीं और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव ने उनके बेटे को सुरक्षा दी थी और योगी आदित्यनाथ ने आते ही उसे हटा लिया, ये जो CM है वो हिंदुओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद से जिस तरीके से हत्या वाले दिन यानी 18 अक्टूबर को वहाँ पे हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उसमें जिसमें कि जो विक्टिम है यानी कि कमलेश तिवारी की वाइफ और बेटे उन पे भी बताते हैं कि धक्का मुक्की उनके साथ भी हुई थी। उसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया था और अगले दिन यानी कि अंतिम संस्कार वाले दिन महमूदाबाद में यानी कि उनके पैतृक गांव जो सीतापुर में पड़ता है वहां पे जिस तरीके से आक्रोश भड़का और उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, उसके बाद पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से उनकी माँ मिलने तो चली गई, लेकिन योगी से मिलने के बाद ये भी कहा कि जो योगी से उम्मीद थी उन्होंने वैसा बर्ताव नहीं किया। यानी कि ये बात मानी जा सकती है कि गुस्से में उन्होंने ये बात बोली हो, जिसने अपना बेटा खोया हो उसे उसके विचारों में या उसकी बातों में उसके बयानों में अंतर हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर के अभी भी परिवार आक्रोशित है कि जानबूझ करके उनकी सुरक्षा हटाई गई और ये योगी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बात ये भी आई प्रकारांतर से कि कहीं ना कहीं हिंदूवादी चेहरा होने के नाते आपस में कंपटीशन तो नहीं था जिसकी वजह से जानबूझ करके सुरक्षा हटाई गई। अब ये बात जो है संघ तक यानी कि RSS तक पहुंची है। कल जब भैया जी जोशी जो कि संघ में RSS में दूसरे नंबर के माने जाते हैं, वो जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो वहां पे पत्रकारों ने सवाल किया कि कमलेश तिवारी की मां ने ऐसे ऐसे कहा है कि योगी सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इस पे उन्होंने कहा कि ये सरकार इसका जवाब देने में सक्षम है, सरकार को जवाब देना चाहिए और उसे सुरक्षा भी देनी चाहिए। तो इसके बाद से माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार पे इस बात का दबाव बढ़ा है, क्योंकि सिर्फ बात इतनी नहीं है, बात ये भी आ रही है कि वहाँ के एक और ब्राह्मण संगठन के जो दो नेता हैं अध्यक्ष और महामंत्री, उनको भी धमकी आई है, उन्होंने उसी लखनऊ में FIR कराई है। इसके अलावा नोएडा में भी कुछ लोगों को धमकी आई है, उन्होंने भी FIR कराई है और भी कई जगहों से हिंदूवादी नेताओं को धमकियाँ मिलने का सिलसिला जारी है और उधर से कंप्लेंट की जा रही है। तो इसके बाद सवाल तो उठ ही रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, वो धमकियां कहां से आ रही हैं, धमकी देने वाले कौन लोग हैं, उनकी नीयत क्या है, कौन सी साजिश रच रहे हैं, क्या वो सूबे का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्योंकि एक और बात कही जा रही है कि अभी राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और उस फैसले से पहले जिस तरीके का सूबे में माहौल बन रहा है वो कम से कम शांति और सौहार्द वाला माहौल तो नहीं बन रहा है, अमन चैन का माहौल तो नहीं बन रहा है। क्योंकि ये यदि ये बात प्रचारित की जाएगी कि योगी आदित्यनाथ खुद हिंदूवादी चेहरा है, ये बात किसी से नहीं छिपी है, और उनके राज में यदि हिंदूवादी नेताओं को ही हिंदूवादी नेता अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं या उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है, क्या वास्तव में ऐसा है या ऐसा कराया जा रहा है जानबूझ करके, तो इस पे भी देखने वाली बात होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है उसको लेकर के कार्रवाई भी की है, 67 अकाउंट भी बंद कराए और 14 मामले दर्ज किए हैं और अभी मामले दर्ज होने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी ये रुकता हुआ थमता हुआ सा नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं सरकार कौन से कदम उठाती है, लेकिन भैया जी जोशी के बयान के बाद जो है योगी सरकार पर निश्चित रूप से दबाव बढ़ा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।